I still can't get over. आता भी नहीं करना नहीं आता दिल्ली वाले को आते ही नहीं है ये आई थिंक यहाँ पैदा होने के बाद ही यू कैन गेट द मैको हेलो कबीर वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी हाउ आर यू आई एम गुड थैंक यू सो मच आई एम जस्ट गोना वेट फॉर दिस कार टू गो बट आप ये बताओ कैसे हो आप आजकल क्या चल रहा है नया सर बस आजकल लिखाई चल रही है सेम प्रोसेस वंस अ फिल्म इज आउट देन द होल प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग एंड राइटिंग बिगिंस जो जिसमें मजा आता है मुझे रिसर्च करने में शुरू से क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का की ट्रेनिंग है बैकग्राउंड है तो रिसर्च में बहुत मजा आता है एक कहानी मिलती है उस पर फिर हम रिसर्च शुरू करते हैं ढूंढते हैं उसके लोग आसपास स्पेशली अगर ट्रू स्टोरी हो या एक ट्रू बैकड्रॉप हो अगर ट्रू कैरेक्टर भी ना हो तो बैकड्रॉप तो हमेशा एक रियल रखने की कोशिश रखते हैं तो उसमें बहुत मजा आता है ट्रैवल करो रिसर्च करो फिर दो तीन महीने में पता चलता है कि इज द स्टोरी वर्थ परस्यूइंग और छोड़ दो किसी और चीज़ पर जाओ ऐसा भी हुआ है बहुत हुआ है तो मैं अपने आप को टाइम देता हूँ दो तीन महीने का टाइम देता हूँ कि दो तीन महीने में आगे लगा कि ये कहानी अच्छा कहीं जाने नहीं वाली है तो छोड़ देता हूँ अरे तो मेहनत मतलब वो राइटर लोग साइड हो जाएंगे नहीं मैं खुद ही करता हूँ मैं खुद हाँ मैं क्योंकि लिखता होते हैं राइटर मेरे साथ लेकिन मैं ज्यादातर खुद ही लिखता हूँ अपनी स्क्रीन पे और रिसर्च तो डेफिनेटली खुद करता हूँ तो ज्यादा नहीं हुआ है एक्चुअली इफ आई से इन माय एंटायर करियर दो या तीन ऐसे स्टोरीज होंगी जो शुरू करी फिर छोड़ दी लेकिन उनमें से एक फिर काफी साल बाद फिर बनी भी बिकॉज समटाइम्स नॉट द राइट टाइम फॉर दैट स्टोरी नहीं एक था टाइगर तो एक बार शुरू करी थी तो वो हुआ था फॉरगॉटन आर्मी का बहुत लंबा एक जर्नी था और वो पहली स्क्रिप्ट है जो मैं लाया था बॉम्बे अपने साथ लेकिन फिर मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यार इतनी बड़ी पिक्चर कोई फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर को देने नहीं वाला है तो फिर मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री जो उस टाइम मैं बना रहा था अफगानिस्तान में बेस्ड ऑन दैट मैंने एक कहानी लिखी काबुल एक्सप्रेस काबुल एक्सप्रेस तक आपको नहीं जाने दे रहा जी तो आपने कहा मुंबई आए एक नंबर ऑफ स्क्रिप्ट के साथ हाँ एक स्क्रिप्ट के साथ एक स्क्रिप्ट कब आए आप 2000 में 2000 तो 1999 में मेरी वाइफ जो है मिनी शी जॉइंड एमटीवी करेक्ट वो विजय हंट हुआ एंड शी बिकेम एमटीवी विजय बिकॉज़ उससे पहले शी यूज्ड टू डू शोज इन दिल्ली वो सब ट्रैवल शोज और तोल मोल के बोल ये सब शोज दिल्ली में करती थी तो आप लोग का वर्क प्लेस रोमांस था क्या हां वर्क प्लेस रोमांस था एक ही शो किया जिंदगी में एक साथ उसी में नहीं नहीं वो एक्चुअली एक चैनल था जो अब है नहीं उसका नाम था होम टीवी जिसमें मिनी बहुत दो तीन शोज बहुत सक्सेसफुल शोज एंकर करती थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं था उस टाइम पे फ्रीलांस कैमरा पर्सन दिल्ली में तो मुझे बुलाया कि यार ये कोई एक स्पेशल शो हम शूट कर रहे हैं तो हम आपको हायर करना चाहते हैं तो मैंने अच्छा तो फिर मुलाकात हुई टीम वीम के साथ ये वो उसमें मिनी के साथ भी मुलाकात हुई तो मैंने कहा चलो यार शो कर लेते हैं तो उसमें फिर शुरुआत हुई हमारी कहानी की द स्ट्रेंज थिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज वी ट्रैवल टुगेदर फॉर दैट शो वाज बॉम्बे और हम खार में एक होटल में रहे थे हाँ और व्हेन वी बोथ फाइनली शिफ्टेड टू बॉम्बे इन द ईयर 2000 आवर फर्स्ट हाउस इन खार वाज जस्ट टू गलीज अवे फ्रॉम शुभांग तो हमने जाके वहाँ जाके ब्रेकफास्ट भी खाया था फिर आफ्टर वी शिफ्टेड ओवर देयर KMC सो मैं बेसिकली मेरी इस फील्ड में अगर शुरुआत हुई है तो वो हुई है स्टिल फोटोग्राफी के थ्रू और स्टिल फोटोग्राफी का शौक मुझे आया है क्योंकि मैं बहुत ही एविड ट्रैकर था तो लद्दाख और कश्मीर में मैंने बहुत ट्रैकिंग करी है और बिल्कुल अरे उसमें तो लद्दाख पहुंचने में हमें 7-8 दिन लग जाते थे हम लोग बैठते थे ट्रेन में दिल्ली से जम्मू से फिर बस पकड़ के श्रीनगर पहुंचते थे श्रीनगर में किसी मैदान में सो जाते थे फिर वहां से ट्रक पकड़ के जोजिला पहुंचते थे बाय फुट जोजिला क्रॉस करते थे फिर आर्मी की मदद ले लेके हम लोग कारगिल पहुंचते थे और कारगिल से बस मिलती थी एक पूरे दिन की जो लद्दाख तो ले पहुंचने में कुछ 7-8 दिन लगते थे फिर वहां से एक महीना जब तक पैसे लास्ट करते हो पैसे बहुत लास्ट करते थे मैं बात कर रहा हूं अपने कॉलेज की 1200-1000 रुपए में हम लोग महीना निकालते थे लद्दाख में गांव में रह जाते थे गांव के लोग हमें खिला रहे हैं हम टेंट होता था जहां मर्जी आपने यू पिच द टेंट नदी के पास अब सो रहे हैं दो तीन हाँ बहुत मजा आता था तो वहां से शुरुआत हुई मेरी मेरा फोटोग्राफी में इतनी खूबसूरत जगह जा रहे हैं तो यू वॉन्ट टू कैप्चर इट
और फोटोग्राफी के थ्रू फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट फिल्मों में थोड़ा बहुत मतलब देखने का इंटरेस्ट था वो आई गिव द क्रेडिट ऑफ दैट टू माई मदर वो हमें ले जाती थी फिल्में देखने के लिए एंड शी हैड अ वेरी एक्लेक्टिक टेस्ट इन फिल्म मतलब अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे और गोदार्ड और त्रुफो की फिल्में हम जब आती थी दिल्ली दिल्ली में बहुत उस टाइम पे माहौल भी होता था अच्छी अच्छी फिल्में देखना के वो भी देखते थे एंड देन फाइनली इकोनॉमिक्स किया मैंने अपने ग्रेजुएशन में और उसके बाद फिर डिसाइडेड किया फिल्म का कोर्स करते हैं जामिया का बहुत नाम था एमसीआरसी का उसमें अप्लाई किया मिल गया इट्स नॉट इजी टू गेट थ्रू टू एमसीआरसी तो मैंने कहा यार एडमिशन मिल गई है तो देयर मस्ट बी समथिंग आई यू नो मे बी इट्स मेंट फॉर मी एंड आई मस्ट से आई एम सो ग्लैड वो मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैं और भी सोच रहा था मैं सोच रहा था लॉ करूंगा मैं सोच रहा था इकोनॉमिक्स मास्टर्स करूंगा ये वो लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू डेज इन एमसीआरसी मुझे समझ में आ गया यार दिस इज व्हाट मास्टर्स इन कम्युनिकेशन बेसिकली फिल्म मेकिंग कोर्स था मुझसे पहले द मोस्ट फेमस पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स वॉज शाहरुख खान बट ही डिडंट कम टू बिकम अ फिल्म मेकर ही बिकेम एन एक्टर लेकिन ही वॉज माई सीनियर इन एम सी आर सी उनके नोट से पढ़ा है मैंने इनफैक्ट हाँ बिकॉज मैं शाहरुख को जानता था बिफोर ही ज्वाइन द इंडस्ट्री गौरी हिज वाइफ एंड आई used to dance together we did a show called West Side Story Gauri is a fabulous dancer like most people know yes so we had done one production of the musical West Side Story which was in college this was we were in college and this was a ex modern school students production and to wo humne kiya tha aur that was also the first production of as a choreographer of Ashley Lobo पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत थी स्ट्रॉन्ग जामिया में एज फिल्म मेकर्स आई थिंक वी ऑल आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट दे लुक एट इज दैट डू यू हैव अ वॉइस ऑफ योर ओन डू यू हैव एन आइडियोलॉजी बिकॉज आई थिंक इट्स एंड जामिया बिलीव दैट एंड आई बिलीव दैट वेरी स्ट्रॉन्गली दैट अ फिल्म मेकर नीड्स टू हैव एन आइडियोलॉजी आप आजकल हम लोग ये बहुत सोचते हैं या बहुत सुनते हैं कुछ लोगों से कि यार हम तो ए पोलिटिकल हैं हमें पॉलिटिकल हैं ये मुझे बहुत ही इट रीक्स ऑफ प्रिविलेज टू मी यू नो ओनली प्रिविलेज people can be apolitical like because you're so privileged that the politics of the country don't affect your life right you're living in your bubble but a person on the streets cannot afford to be apolitical because every decision affects their lives even though I'm dabbling in mainstream cinema my films always have a political backdrop always have layers of my ideology coming through and I think that's very important you should never shy away from being political it's not a bad thing you know because hum log actually being political ko hum log na bahut narrowly define karte hain ki matlab are you interested in congress versus bjp no that's not politics politics is anything you do as a filmmaker every comment I make every dialogue that I write every time I look at a certain character with a certain lens the way I look at a character is my politics it could be my gender politics it could be my caste politics it could be my communal politics you know it's the way you express yourself that is a politics politics does not mean political parties and are you in favor of one or the other that's okay. not that's the that's a very narrow definition of politics I ji really tell me discovery it, ji. you are reminding me of Sean Penn from you know Walter Mitty also Sean Penn right now ji right? ji so he ji took a camera and went off ji but essentially what were those years like because I know देखिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्रीज के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो मेरा रॉ मटेरियल आज तक है बिकॉज आई लिव्ड सेवरल लाइव्स इन दोज इयर्स ये जो आप कहानी बोल रहे हैं मी गेटिंग स्टक इन अ माइनफील्ड दिस इज फ्रॉम माय डॉक्यूमेंट्रीज इन अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में जब 9/11 हुआ तो हमने सोचा यार अब देखो ये बॉम्बिंग शुरू हो गई है तालिबान जो है इट्स यू नो फॉलिंग अपार्ट वी शुड गो एंड डू अ डॉक्यूमेंट्री एंड व्हाई बिकॉज मैं इससे पहले अफगानिस्तान जा चुका था फॉर अनदर डॉक्यूमेंट्री जो रेड क्रॉस कमेटी ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने मुझे कमीशन किया था टू डू अ फिल्म ऑन द इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन
हम वो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज एक तो इट वॉज वेरी टफ टू शूट दैट यू नो शी सीइंग द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन 20 साल से 25 साल से जंग चल रही है और फिर उस टाइम पे तालिबान वॉज लिटरली 20 किलोमीटर आउटसाइड काबुल तो वो रोज शेलिंग होती थी तो रोज भागना पड़ता था बंकर्स में छुप रहे हैं ये वो सब हो रहा है एंड छोड़ के आ गए कि वापस जाएंगे लेकिन वापस नहीं जा पाए बिकॉज उसके एक महीने बाद तालिबान ओवररन काबुल एंड एज इंडियंस यू कुड नॉट गो बैक और ऑफकोर्स दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवेंचर्स ऑफ माई लाइफ विच इज why Kabul Express was written on that matlab I remember pahunchne mein itna problem tha hum log normal route se ja nahi sakte the jo basically Peshawar wala route hai kyunki hum log Indians hain to wahan kahan hame Pakistan ka visa milega to you know drive through and all to hum log we overflew went to Uzbekistan wahan se Tajikistan gaye phir wahan se humne koshish kara should we drive into Afghanistan wo nahi hua avalanche ho gaya mountains mein landslides ho gaye humne socha tha ek chopper हायर करेंगे वो चॉपर हमें हमारे जाने से पहले एक दिन पहले क्रैश हो गया मैंने कहा चलो ये भी ख़त्म हो गया फिर रिवर क्रॉसिंग हर चीज़ कोशिश करी कुछ 10-12 दिन वहाँ अटके रहे दुशंबे में हम लोग जा ही नहीं पा रहे फाइनली एक लास्ट डिच एफर्ट हमने बोला यार चलते हैं वहाँ एयरबेस वहाँ पे कोई ना कोई तो जा रहा होगा वहाँ पे एक रशियन हेलीकॉप्टर दिखा बड़ा सा लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड इट इज़ नाम भूल गया आई थिंक MI-17 या कुछ एंड इट वॉज बींग लोडेड विद मेडिकल सप्लाईज तो हमने कहा यार वो रशियन हेलीकॉप्टर पायलट को थोड़ा साइड में ले गए हमने और बोला उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही थी थोड़े से डॉलर दिखाए और बोला हमें ले चलो यार तो उसने ले लिए काफ़ी सारे डॉलर लिए हमसे और छुपा दिया हमें मेडिसिन के बीच में टुक ऑफ और वहाँ से दुशंबे से इट्स अ 40-मिनट हेलीकॉप्टर राइड अवे टू काबुल थ्रू द हिंदू कुश माउंटेंस ब्यूटिफुल स्टनिंग राइड तो पहुंचे एंड देन अचानक वो कहीं पे लाके उसने हेलीकॉप्टर नीचे कर दिया करा जंप मतलब लिटरली 15-20 फुट ऊपर ऐसे हावर कर रहा है यार हम देख रहे कहाँ हैं मतलब 360 डिग्री सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं मतलब ओनली यू नो स्नो एंड माउंटेन्स ऐसे बस इतने पैसे लिए काबुल छोड़ो इसे नो काबुल तुम लोग साले सिविलियंस हो मैं फंसूंगा एंड ऐसे कम से कम नीचे तो ले जाओ इसे सम टेक्निकल जागन ही कुड नॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बट ये कि ये नीचे जाएगी तो फिर इसको कुछ मिनिमम रीबूट टाइम चाहिए होता है फिर मैं रेडार से ऑफ हो जाऊंगा फिर एक्सप्लेनेशन होगा कूदो सो फाइनली लटक के हम कूदे हैं और ये हेलीकॉप्टर उड़ गया है और ये उड़ने के बाद हम देख रहे हैं यार यहाँ सिर्फ मतलब यू कैन ओनली सी माउंटेन्स ऑल ओवर द प्लेस एंड एक हमें बंदा दिखा एक मुजाहिदीन स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स अस तो उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया दो बंदे कूदे बैग बैग से साथ हेलीकॉप्टर निकल गया ही पूरे हेयर दीज पीपल तो वो बड़े खुंदक में हमारी तरफ आने लगा एंड ही हैड दिस कलाश्निकोव एंड इज क्लॉकिंग इट एंड सेइंग समथिंग इन दरी मैं आई थॉट दिस इज इट ये हो गया भैया यहाँ कहीं मारे जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन से पहाड़ में पड़े क्योंकि पता ही नहीं था हम लोग उस हेलीकॉप्टर में थे नोबडी विल इवन नो वेयर वी हैव गॉन and truly thought that's the way my end has been written and but the only thing we knew is ki ye sare jo mujahideen hai they are very they have a certain warmth towards india kyunki india inko support karti thi against the fight for against the taliban to paas aane laga humne bola hindustan aur wo paas mein aaya aur achanak ruka and started smiling aur wo gana gaane laga yaar mere sapno ki rani kab aayegi that is the day I realized that the most powerful medium in this country is Hindi mainstream cinema because it had just saved my life and that day I remember thinking to myself boss kahani sunani hai na to mainstream cinema mein sunao koi fayda nahi aur kuch karne ka but John's character is close your so John and Arshad's character is loosely based on me and my friend Rajan Kapoor yes And there are some things but it's not a clear like it's not like John is me or Arshad is Rajan wo thoda mix and match because jaise Arshad camera person hai to main khud shoot karta tha but Arshad ka ek wo problem hai ki wo cigarette share nahi karna chahta because wo koi aur cigarette peeta to galla kharab ho jata hai which is Rajan's trait wo limited cigarettes hoti thi hamare paas tha to wahan pe ice breaker in Afghanistan is ek cigarette de do yes to uski jaan nikal jati thi cigarette share karte karte matlab koi bhi aata था कुछ उनसे अगर चाहिए होता था बात करनी है कुछ वो कहते थे एक सिगरेट दे दो तो बेचारा राजन सिगरेट देता था अपनी गोल्ड फ्लेक लेके घूमता था क्योंकि वो और कोई सिगरेट पीता उसका गला खराब हो जाता है तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ न्यूएंसेस ऑफ
the two of us, but they were sort of blended in together a bit in John and Akshat. मैं बता दो कहाँ नहीं काबुल एक्सप्रेस की इंस्पिरेशन की क्योंकि हम लोग इतना बात कर ही चुके हैं तो नहीं बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ था मेरा हम लोग ना एक प्रिजन गए थे वहाँ पे एक प्रिजन था कॉल्ड द्वाब विच वॉज नियर द ताजिक बॉर्डर और वो द्वाब इसलिए बुलाया जाता था बिकॉज वो एक छोटा सा ना रिवर आइलैंड था और दो तरफ उसके ये फास्ट मूविंग रिवर होता था और सराउंडेड बाय माउंटेन्स तो जो यू कांट एस्केप मतलब उसमें जो जेल में से निकल भी जाओगे तो मारे जाओगे मतलब नदी में डूबोगे या मतलब पहाड़ क्लियर नहीं कर पाओगे एंड देन यू आर इन द एरिया ऑफ पंचीर विच इज़ द ओनली 5% ऑफ अफगानिस्तान जो तालिबान ने कभी कैप्चर नहीं किया था वो अहमद शाह मसूद का एरिया था अभी भी आई थिंक इंडिपेंडेंट है तो वो मार देते आपको तो वहाँ से point of no return for any Taliban soldier or the Al-Qaeda people going there. तो वो क्या कर रहे थे जो foreign mercenaries थे Al-Qaeda के Taliban के उनको पकड़ के दुआब में डाल रहे थे दुआब में उनकी sorting होती थी और फिर उनको Guantanamo Bay भेजा जाता था वो जो ग्रे ब्लैक वाइट उनकी एक sorting होती थी जो ब्लैक थे वो Guantanamo जाते थे और ग्रे थे आई थिंक लोकल जेल्स में रहते थे वाइट जो थे उनको छोड़ दिया जाता था तो ना एवरीबडी एवरी जर्नलिस्ट एवरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो अफगानिस्तान में था दे वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट प्रिजन बिकॉज दैट्स द गोल्ड माइन ऑफ पीपल एंड इन्फॉर्मेशन तो हमने भी कोशिश किया कि यार हम भी चलते हैं लेकिन इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज एक तो चेकबुक जर्नलिज्म चल रही थी वहाँ अमेरिकन्स वर लाइक पेइंग शिटलोड्स ऑफ मनी एक तो एवरी 50 किलोमीटर्स अ न्यू वॉरलॉर्ड वुड कम इन सो ही नीडेड हिज मनी टू क्रॉस लेकिन हम लोग अगेन वी प्लेड द इंडियन कार्ड एंड आई सेड यू नो दे हैड अ लॉट ऑफ वॉर्म्थ फॉर इंडियंस व्हिच इज इन द फिल्म ऑल्सो एंड हमने जाके बोला यार हमें वहाँ जाना है दो आप तो दे पुट अस इनटू अ जीप एंड दे सेंट अस नो मनी नथिंग और 8 घंटे लगे पहुंचने में क्योंकि मतलब ना सड़क एवरी रोड हैड बीन बॉम्ब्ड एवरीथिंग इट आल्सो इज क्लोज टू द ताजिक बॉर्डर हम पहुंचे यहाँ दुआब और लिटरली वहाँ पहुंच के शाम को पहुंचे उन्होंने कंपाउंड का दरवाज़ा खोला गेट खोला जैसे जाइए अंदर घुसे तो एक बड़ा सा कंपाउंड था लाइक अ 50 feet by 50 feet कंपाउंड और उसमें कुछ 40-50 टेररिस्ट बैठे हुए हैं शैकल्स एंड चेन्स एंड हैंडकफ्स के साथ हमने कहा अरे यार मतलब वो हमें देख रहे हैं हम उनको देख रहे हैं हम कहे यार ये करना है क्या बोलते हैं हमें तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी तालिबान थे तो वो उर्दू जानते थे वो बात करने लगे हमसे हाँ उर्दू हम जानते थे तो बातचीत शुरू हो गई अब इधर उधर की अच्छा कैमरे के पर जब हम इंटरव्यू लेते थे तो वो बिल्कुल ही एक तालिबान सोल्जर की तरह बात करता था एक आदमी था खालिद और जब कैमरा ऑफ करते थे तो वो बोलता था अरे जाहिल थे साले ये वो तो मैंने कहा यार ये हमें कैमरे पे वो बोल दो तो कैमरे पे नहीं बोलता था तो जनरली एक बातचीत होने लगी और जब हम 2 दिन के बाद वापस जाने लगे वहीं रहे जेल में 2 दिन वहीं सोए वहीं खाना वाना खाया क्यों और कोई जगह ही नहीं थी वहाँ पर कोई होटल वोटल का तो सवाल ही नहीं था तो जब जाने लगे तो खालिद आया हमारे पीछे और बोलने लगा यार मुझे आप एक फ़ोन करने दीजिए अपने सैटेलाइट फ़ोन से अब हमें डर लग रहा है यार सैटेलाइट फ़ोन से ये तालिबान है और ये किसको फ़ोन करेगा वैसे ही पता चला कि वो अमेरिकन्स वर ट्रैकिंग दीज फोन्स कि हमने दे तो दिया उसको फ़ोन कॉल कर दिया उसने और फिर एक क्रूज़ मिसाइल जो है हमारे सैटेलाइट फ़ोन पे आ रहा है because that's what they used to do they used to track satellite phones and they used to fire cruise missiles to go to those satellite phones sir yaar ye to tricky ho jayega but anyway wo bechara you know 2 din hum bita chuke the humne de diya wo afghan jailer ne bhi bola yaar isko karne do phone usne phone kiya to us phone mein mujhe samajh mein aaya ki this is the first time in 3 years he's talking to his family oh the family thought he's dead oh shit oh और उस फ़ोन कॉल में उनको समझ में आया कि यार ये ज़िंदा है फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और वो बेटी उसकी आई होगी छोटी को 6-7 साल की बेटी होगी उसकी वो ऐसा मतलब और खालिद जो था लंबा चौड़ा आदमी था 6 फुट 3-4 इंच का आदमी चौड़ा आदमी लंबी मेरे तालिबानी बियर्ड वियर्ड थी और जो फूट फूट के रोया है वो मोमेंट में मेरे को लगा कि यार देखो समटाइम्स यू डोंट हैव टू एग्री विद पीपल एंड देयर आइडियोलॉजी एंड यू हैव अ डिफरेंट पोजीशन आई विल नेवर एग्री विद द तालिबान अबाउट हिज आउटलुक टू द वर्ल्ड एंड हिज पॉलिटिक्स बट ह्यूमन स्टोरी सबके पीछे है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मे बी ट्राई एंड यू नो एक्सप्लोर दैट ह्यूमन स्टोरी तो वो एक दैट ट्रिगर्ड द सीड ऑफ द आइडिया ऑफ काबुल एक्सप्रेस एंड काबुल एक्सप्रेस वायर एफ पे फाइनली पहुंची क्योंकि देखो उस टाइम पे जब काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्म देखो काबुल एक्सप्रेस उस जमाने बड़ी नई किस्म की फिल्म थी ना आज तो बहुत आसानी से काबुल एक्सप्रेस बन जाएगी लेकिन उस जमाने में उस किस्म ना उसमें लव स्टोरी ना उसमें 6 गाने ना मतलब तो हाँ वो भी अफगानिस्तान में शूट करना है ये वो तो यू
यू नो कहानी ऑफ यू नो टू जर्नलिस्ट गेटिंग किडनैप्ड बाय तालिबान, तो ऑब्वियसली इट वाज न्यू, इट वाज एक्साइटिंग, बट पीपल वर नॉट रेडी टू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ वाज. तो उस किस्म की कहानी का कन्वेंशनल विजडम ये था कि यार यशराज तो सवाल ही नहीं उठता. यशराज तो यू नो लव स्टोरीज बनाती है, फैंसी यू नो ग्लॉसी फिल्में बनाती है, ये कहाँ पे हुआ. तो यशराज कभी गए नहीं, दुनिया भर के स्टूडियोज जा रहे हैं और बहुत ज्ञान मिला फिल्म कैसे बनाई जाती है क्या मतलब. एंड व्हाइल ऑल दिस इज हैपनिंग द ओनली स्टूडियो आई हैव नॉट बीन टू इज यशराज स्टूडियोज. एंड देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू I get a call from some lady who says ki I'm speaking from Rashad Studios and Aditya Chopra wants to meet you. मैंने कहा यार ये कौन मजाक कर रहा है, मतलब एक तो आदि चोपड़ा एग्जिस्ट भी करता है नहीं है ना, जब मजाक है ना कि आदि चोपड़ा एक्चुअली इज जस्ट अ नेम कॉइंड बाय यश चोपड़ा टू स्केयर पीपल, ही डजंट रियली एग्जिस्ट. सो मैं आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू दैट लेडी आल्सो. अच्छा लाइक यू नो मेरे दिमाग में था कि यार देखो एक साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सब जानते हैं मेरे दोस्त यार. अच्छा मिनी वॉज एन MTV उस टाइम पे एक शो आता था बकरा, मैंने कहा बकरा बकरा कुछ कर रहे होंगे वाले. तो बट something in that tone you know made me realize ki nahi yaar ye kuch serious hai. So I was not fully convinced, I was saying ki acha ye pange mat lo, I said acha aap bataiye kahan aana hai kitne baje aana hai. Usne diya address yashraj ka us time pe jo address tha aur time I think dopahar ka time tha 4 baje aap aa jao. मैं पहुंच गया उस दिन. अच्छा उस दिन मैं जैसे जा रहा हूँ गेट की तरफ, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है यार इस झाड़ी के पीछे से ये बकरा चिल्लाते हुए निकलेंगे दैट विल बी एंड ऑफ इट. बट भाई कोई नहीं था, दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया. फर्स्ट फ्लोर पे आई रिमेंबर आदि का ऑफिस हो जाता, दे सेंट मी टू फर्स्ट फ्लोर एंड आई ओपन द डोर एंड द मिथिकल आदित्य चोपड़ा वॉज स्टैंडिंग देयर. आई रिमेंबर हिम ऑल्सो, ऐसे चश्मे हाथ में थे, ग्रीटिंग ग्लासेस ऐसे साफ कर रहा था आदि. एंड आई एंटर्ड इन, ही सेड हाय कबीर, ही सेड यार आई हैव रेड योर स्क्रिप्ट एंड इट रियली मूव्स वेल, व्हेन कैन वी मेक इट. लिटरली दैट्स इट. And that's how my first film started, and I was like, oh, okay. But having said that, the Kabul Express itself, the journey was not an easy journey, yaar. Because we were shooting in the first international film to shoot in post-Taliban Afghanistan. I think 14 days into our shoot, phone aaya Indian ambassador ka. हम लोकेशन पे दे साउंडिंग वेरी सीरियस, ये क्या कर रहे हो सर, शूट कर रहे हैं. इसे आप थोड़ा जल्दी पैकअप करके एम्बेसी आ जाओ. जब गए भागे भागे पैकअप करके एम्बेसी गए, तो वहाँ जब गए तो वो बैठे हुए थे और इंडियन मिलिट्री अटैशे बैठे हुए थे. सो दे बोथ सेड कि देखो हमें अमेरिकन इंटेलिजेंस और अफगान इंटेलिजेंस एंड आर ओन पीपल हैव आल्सो पिक दिस अप, देयर इज अ वेरी क्रेडिबल डेथ थ्रेट ऑन यू एंड योर एक्टर्स एंड योर फिल्म यूनिट. बेसिकली 5 पीपल हैव बीन सेंट आउट बाय अ यूनिट अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान थ्रू हिट आउट एट योर यूनिट. तो यार बिल्कुल मतलब खून सूख गया सुन के यार ये क्या हुआ. सो देन द एम्बेसडर सेड यू नो ही स्माइल्ड एंड ही सेड यार देखो अब पोस्ट तालिबान पहली फिल्म शूट करने तुम लोग आए हो तो तुमने क्या सोचा था ये नहीं होगा. ऐसे ही सर ये तो हो गई होगा बट अब ठीक है, अब देखो आगे कैसे बढ़ सकते हो. देन आई सॉर्ट ऑफ ऑफकोर्स टुक, बिकॉज यार कोई अंडरवर्ल्ड का डेथ थ्रेट नहीं आ रहा है ना कि भाई दाऊद ने भेज दिया या किसी ने भेज दिया तो आप पुलिस के पास. मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम इज सेंडिंग यू अ डिटेल्ड डेथ थ्रेट विद योर नेम्स एंड एवरीथिंग, जॉन नेम अर्शद. सो इमीडिएटली आई फ्लू जॉन एंड अर्शद आउट ऑफ द कंट्री, आई सेंड देम बैक टू बॉम्बे. आई सेड यार मैं 5-6 दिन लेके नहीं, मैंने सब कुछ शूट बंद कर दिया, मैंने यूनिट को होटल में बंद कर दिया बिकॉज आई होटल वॉज अ वेरी सिक्योर. वहाँ पे उस टाइम पे 5-star होटल वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू लग्जरी, इट वॉज अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी. तो द अफगान्स ऑफ कोर्स टुक इट वेरी सीरियसली एंड दे टुक इट पर्सनली. दे सेड यार हाउ कैन द तालिबान स्टॉप योर शूटिंग एंड दिस इज अ यू नो ये तो हमारी इज्जत का सवाल हो गया एंड ऑल दैट. एंड देन आई मस्ट से एट वन पॉइंट आई थिंक आफ्टर 4 डेज एंड आई वॉज ऑलमोस्ट थिंकिंग यार I can't risk the lives of the unit for my dream. Maybe I should, you know, rethink this. The Afghan security minister came and he said, "Agar kal aap log Hindustan chale jaoge, to ye Afghanistan ki shikast hogi. It'll be a defeat for Afghanistan." I said, "Yeah, now that's the last thing I need. I don't need this kind of, you know, more emotional baggage on me." I said, "I have to think with a very clear mind." And then Adi. Called me. This is the only time Adi has actually ever called me while I'm on shoot in my Yashra days. And you know, he and this is shows you the strength of a strong producer and what having a strong producer can do for you. And he said, you know, Kabir,
all of us agreed to shoot Kabul Express, and everybody there in the unit is there because you're an expert in that area. You have lived there. You know people, and there's nobody better to take this call than you. Whether you want to continue, you don't want to continue. Whether this is a credible death threat, not credible death threat. He says, it's totally your call. And he said that. But there is one thing I want you to know, because it's your first film, and I know that all kinds of thoughts must be entering your mind about, you know, your first film. Will it stop and not? Will it continue? He said, I just want to tell you one thing, that in the history of Yash Raj, no film has stopped mid-production, and I promise you, yours will not be the first. And he said, now you decide, do you want to continue shooting in Afghanistan? Do you want to come back and recreate Kabul somewhere else? So I said, give me two more days. I sat with them, and then the kind of security that the Afghans gave me, and then even the ambassador and the military attaché also told me that yaar ye is kisam ki security humne heads of state ke liye bhi nahi dekhi hai. So 60 armed commandos landed up on our doorsteps at our hotel, and armed by Afghan standards, not a rocket launcher, Kalashnikovs, and you know, SUVs. And hum log pahadon mein shoot karte the, to वैसे भी बस जा नहीं सकती थी. तो सुबह में हमारा जो मोटरकेड निकलता था, it was about 40-45 SUVs. More than a mile long our motorcade used to be. Har the window ke bahar ek gun nikli hui thi. And that's the way we used to travel to our sets. Most of jo call sheet, wall sheet, ye tamjam hota hai, sab cancel hua. They told us, only you will, they told me, only you will know where tomorrow's shoot is. And you will tell nobody. और सुबह में तुम पहली गाड़ी में बैठोगे और सब लोग जो हैं तुम्हें फॉलो करेंगे. Then you ended up doing Ekta Tiger with Pirates and one more. No, then I did immediately after Kabul Express, you know, and Adi said, yaar, you know, there's I'm a completely apolitical person. I don't really understand politics, but जिस तरीके से तुमने, मतलब he said in Kabul Express what I liked was that when I needed to know the politics, you explained the politics to me. So I never felt handicapped about not knowing the politics. It came with the story. He said, and if you can do that, then I think you should make a slightly more mainstream film. And that's how New York happened. Yes. आपका वीजा कैंसिल हो गया था. हाँ, तो मेरा वीजा नहीं दिया यार, कैंसिल नहीं होता, दे ही नहीं रहे थे. इट वॉज अ वेरी वियर्ड, एक तो इट वॉज अ फिल्म लाइक न्यूयॉर्क, एंड हम लोग गए, एंड आई रिमेंबर आयरनी वॉज दैट हम पहुंचे अप्लाई करने के लिए, 8 लोग पहुंचे पहले, मतलब उसमें, क्योंकि हम रेकी के लिए जाने वाले थे. 8 लोग पहुंचे, एंड सबके फॉर्म में लिखा हुआ है रीजन फॉर ट्रैवल, अकंपनिंग डायरेक्टर. तो जो अकंपनी कर रहे सबको वीजा मिल गया है, और जो डायरेक्टर उनको मिल गया, उनको दे दिया. और मेरी बारी आई तो वहां गया मैं, तो अब वो पता नहीं क्या हुआ, या तो उनको रेड अलर्ट आता है, पता उस टाइम पे क्या थे वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन पे, देयर वर अबाउट 29-30 नेम्स दैट यूज्ड टू रिंग एन अलार्म बेल, एंड ऑब्वियसली कबीर एंड खान, बोथ द नेम्स वर कॉमन हाई अप ऑन द लिस्ट ना, वो लिटरली माय नेम इज खान का किस्सा था वहां. तो वहां पे अलार्म बेल बज गए कि भाई ये कौन है. अच्छा, दूसरा, इस आदमी के पासपोर्ट में 6-6, 7-7 तो अफगानिस्तान के वीजा है, और ईरान के वीजा है, और बोस्निया के वीजा है, मतलब ये कौन है ये आदमी, मतलब आम जा से आते हैं और आदमी का ज्यादा सब है हमारे पास, सब है. तो दे सेड यार ये तो कुछ गड़बड़ है. सो दे सेड, शी वाज ऑफ कोर्स वेरी, शी डिडंट नो व्हाट टू से, दैट लेडी एट द एम्बेसी, आई रिमेंबर, शी सेड, नो यू नो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स आवर प्रॉब्लम. आई सेड, व्हाट इज हैपनिंग? सो शी सेड, नो योर नेम, यू नो, कबीर खान, इट्स वेरी वेग. So I said, thank you very much. I'll tell my mother about that. But what do you mean by vague? She said, no, you know, there can be so many Kabir Khan. I said, yeah, but here's a government of India issued passport that says this Kabir Khan is me. Yeah. So उसने बिचारी ने, मतलब she hummed and hawed and she gave me the thing. और फिर भाई वो दो तो महीने ही लग गया, दो महीना almost हो गया, वो आया ही नहीं visa. And Adi started getting very, you know, worried कि यार कैसे होगा ये, मतलब पिक्चर बनानी है, सीजन चले जाएगा, ये वो, जिस टाइम हमें शूट करना था. तो देन वी एम्प्लॉयड अ इमिग्रेशन लॉयर, इंडियन ओरिजिन का इमिग्रेशन लॉयर था. देन ही टोल्ड अस, ही सेड, यार तुम्हारा जो पासपोर्ट है ना, वो चले गया है FBI.
because of the name and because of the background that you have of being in Afghanistan, self-professed, you have met the Taliban, spent time with them, ye sab to obviously ab wo sab investigate kar rahe hain aur wo investigate unhone kar liya hai, unko ye bhi samajh mein aa gaya ki tum documentary ke liye gaye the, tum Kabul Express ke liye gaye the, tumhe national award bhi mil chuka hai na Kabul Express, wo sab bonafide hai, lekin tum ho to, and they said and your name is Muslim, and you have met Taliban, they feel that what if you are part of a sleeper cell, yeah. ये लॉजिक को कैसे आप फाइट करो फिर तो हाँ. मतलब कि मतलब जिंदगी भर नहीं जा सकते. बट फाइनली फिर उन्होंने कुछ कुछ ये वो किया एंड आई गॉट द वीजा. Yeah, so New York had its own trajectory, and then New York's, because it became such a huge commercial success, and Adi said, "Yaar, thodi aur badi picture banate hain." And then he said that, you know, he said a very interesting thing. He said, "I think you should make a film with a superstar because the dynamics of a superstar film are very different from any other film, and I think you might enjoy it." And that's how then I started writing Tiger. You'd met Tiger in. So I had not met Tiger, but I had heard about this character in Kabul only, because Kabul mein, as I used to say, ki ya to journalist ya documentary filmmaker the ya to spies the, aur koi third category thi nahi wahan. So that's how again the seed of the idea began, and then we started writing that. And then you've directed by even three other films. Yeah, and then I did three films with Salman, two after Yashraj, which was Bajrangi Bhaijaan and Tube Line. And that was also an amazing sort of, I think, to work with Salman at that point in time where, you know, it was peak of his stardom and he had become a demigod by that time. Yeah. And especially for a film like Bajrangi, which in a certain sense dared to redefine him at a time when he didn't need a redefining, was interesting. And I must say again, you know, I will always give credit to him also that he also went along with that redefinition at a time when he didn't need to, right? I mean, when you're such a big action star and doing this kind of films, you might turn around and say, ki, main aisa character kyun play kar raha hu, ki jahan action hai, थप्पड़ खा रहा हूँ मैं फ्रॉम पाकिस्तानी पुलिसमैन, ये वो, बट ही डिड, एंड आई एम सो ग्लैड इट वेंट ऑन टू बिकम यू नो हिज बिगेस्ट फिल्म टिल डेट. पूरा थिएटर होते हुए देखा मैंने, जी मैं रोया हूँ, मैंने पूरा थिएटर होते हुए देखा. So, हमें पता था कि इमोशनल है, बहुत अच्छा है क्लाइमैक्स, लेकिन जो अब हमें पता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमैक्स, उस टाइम नहीं पता था ना. तो पहले दो तीन दिन हम जाते थे तो आई वुड ऑलवेज सी इन एवरी थिएटर कि 20-25-30 लोग उठते नहीं थे जब पिक्चर खत्म हो जाती थी ना. फिर मैं उनके पास जब जाता था ना, आई रियलाइज ये देवर वो रो रहे थे, they were trying to compose themselves before they got out, and then I realized, yaar, this is, it's having a deeper impact than I had imagined, and that is something that happened with 83 also. 83 also, the way people were crying is something I didn't expect. And I knew it's emotional, but at the interval and after the interval, मतलब end में भी मैं और interval में वो end में जो रोए, और मैं वो, and Kapil sir used to, Kapil sir said कि हम film release पे देखेंगे, हम पूरी team जो है बैठ के आपके प्रीमियर पे देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे. लेकिन ऑब्वियसली हमने स्क्रीनिंग तो शुरू कर दी थी, लोगों को दिखा रहे थे, तो वो शुरू हो गया था कि यार लोग रो रहे हैं, ये वो. तो ही सेड, यार कबीर ये बताओ लोग रो क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा सर इमोशनल है. नहीं, मुझे भी बताया आमिया, हिज डॉटर वाज द एडी ऑन 83, शी वाज विद मी. So she had also told him that, I mean, he's a very emotional person. So she had told him that आप ना पूरा टिश्यू का बॉक्स ले जाना अपने साथ. तो he said मुझे ऐसे क्यों बोली आप, बोला आमिया ने कि आप, मैं क्यों रहूँगा? तो I said sir आपकी मतलब जर्नी है, it's such an iconic journey, obviously you will be emotionally moved. नहीं तो इसमें रोने की क्या बात है, तो खुशी की बात है ना. I said sir खुशी के आंसू आएंगे लेकिन. And then oh my god, when they finally saw the film, जो रोए हैं the whole team. But yeah, so these are two films that I didn't realize the emotional impact when I was making them. ये बताओ मुंबई की बातें तो हमने की नहीं. जी जी. तो इस एरिया की कोई कहानी? सो ये एरिया है जो खार के बाद जब हमने डिसाइड किया कि हमें घर लेना है, द ओनली प्लेस दैट वी कुड अफोर्ड वाज लोखंडवाला. बैंड्रा में देखे थे घर, लेकिन हमें लगा नहीं यार इसी बजट में थोड़े से बड़े घर वहाँ लोखंडवाला में मिल रहे हैं, तो थोड़े से नए बिल्डिंग्स में मिल रहे हैं, वहाँ चले जाते हैं. लेकिन उसके बाद फिर हम शिफ्ट ही नहीं, इवन व्हेन वी कुड अफोर्ड मे बी अ प्लेस इन बैंड्रा, वी नेवर
wanted to shift back because we realized that sir, काम सब यही है आसपास. Bandra is a great place, of course, and I sort of really enjoy it, and lots of our friends are there. But फिर इसी इलाके में रहे क्योंकि यशराज स्टूडियोज यहाँ था, तो in Bombay, the luxury of being able to walk to your workplace is something that I think maybe only 1% or 2% people. Otherwise, आधी जिंदगी तो गाड़ी में निकल जाती है. तो I think because of that, then we stuck around. Then उसके बाद even the other like साजिद के साथ एक फिल्म करी, तो साजिद का इधर ही है, वही जहाँ पे आप जहाँ से आपने मुझे पिकअप किया, basically I've rented out the office from there only from साजिद. तो वहीं वहाँ हैं हम काफी साल से. So I think that luxury of being there, and then also हमें जो हमारा जो घर है ना, वो बहुत ही रेयर एक घर मिल गया हमें जहाँ पे ओपन टेरेसेस हैं. और मैं और मिनी एक्चुअली दिल्ली से हैं, तो आपको आंगन की आदत है और यू नो गार्डन की आदत है. तो वी हैव कन्वर्टेड दोस दैट टेरेस इनटू लाइक अ गार्डन, मतलब यू नो पेड़ पौधे बहुत सारे. सो एक वहाँ पे फील आई, एंड एज यू सेड आई मीन आई एम नॉट एट ऑल नीदर इज मिनी सुपरस्टिशियस, बट एक यू नो दैट हाउस हैज बीन गुड फॉर अस, हैज बीन गुड टू अस. सो वी डिसाइडेड दैट वी शुड कंटिन्यू. तो मुंबई की जगह खाने वगैरह की, अपार्ट फ्रॉम लोकनवाला मार्केट ऑफ कोर्स, खाने की तो बहुत है यार. देखो मतलब एक तो मैं और मिनी हैं भी बहुत बड़े फूडीज, तो हाँ जो जो चीज़ जहाँ खुलती है वहाँ पहुँच जाते हैं खाने के लिए. अब हम मिनी की आई थिंक वो सोशल मीडिया पोजीशनिंग भी ऐसे है कि यार फ्री इनविटेशन बहुत मिलते हैं हमें. तो जो नया रेस्टोरेंट खुलता है ना, उनका फ़ोन आ जाता है मिनी को कि आप प्लीज़ आइए और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को लाइए एक टेस्टिंग सेशन में. मैंने कहा ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मिनी माथुर का कि हर जगह फ्री में खाना खा के आ जाते हैं हम लोग, स्पेशल मील्स. हम जब ट्रैवल भी करते हैं ना, तो वी ऑलवेज लुक फॉर रेस्टोरेंट जहाँ पे लोकल बैठे हुए हैं. जैसे आप चाइना में गए तो टूरिस्टी रेस्टोरेंट तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जहाँ चाइनीज आदमी बैठ के खा रहा है यू लोगों की बेस्ट खाना यही मिलता है, तो हम लोग वहीं घुस जाते हैं. जहाँ पे कोई अंग्रेजी बोलता ही नहीं है लेकिन यू नो खाना तो अच्छा वहीं मिलेगा, वहाँ घुस जाते हैं. वो जो टूरिस्ट ट्रैप्स होते हैं ना, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट होता है उनमें, विच आई हैव नेवर लाइक्ड. तो मुंबई की भाषा के बारे में कोई आपका मतलब, आर देयर एनी फेवरेट वर्ड्स, आर देयर थिंग्स दैट यू रियली लाइक ओवर कंप्लीटली? आई स्टिल कांट गेट ओवर, आता भी नहीं करना, नहीं आता. दिल्ली वालों को आते ही नहीं है ये, आई थिंक यहाँ पैदा होने के बाद ही यू कैन गेट द नैक, वो आता ही नहीं है. बट दैट नहीं, बहुत सारे हैं यार. मतलब अभी तक मेरे को माला जब बोलते हैं ना, 18 माला, 17 माला, 15, वो थोड़ा सा मुझे अभी भी समझ में नहीं आता. और वो बोलते बोलते आप भूल भी जाते हो. ये ना अभी हम लोग कश्मीर गए, तो एक किसी दोस्त से मिलने गए थे, तो उसका ऑफिस थर्ड फ्लोर पे था. तो मेरा एडी था, वो पूछा किसी से ये तीसरे माला पे है. आई सेड भाई तीसरे माला मतलब इसको कैसे जिंदगी में समझ में आएगा, तू क्या बोल रहा है तीसरा माला. आई सेड क्या बोलते हैं फ्लोर को हिंदी में. अब वो सोचने लगा, भूल गया. मंजिल तो भाई नहीं आएगा उसको. हाँ सर मंजिल मंजिल तीसरे मंजिल पे. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड सो कॉमनली ओवर हियर, क्या हम लोग तो दिल्ली से आए ना, तो बहुत सारे वर्ड्स, वांदा नहीं, वांदा नहीं, कांदा, वांदा, लॉट ऑफ द वर्ड्स टुक लॉन्ग. ऑफ कोर्स नाउ इट्स वी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ 20 साल हो गए हैं. 83 डिडंट वर्क टू वेल, आई मीन ऑन द बॉक्स ऑफिस. 83 यार हम ओमिक्रॉन की वजह से मारे गए यार, है ना? हमारा बहुत ही मतलब हमने सोचा कि दो साल हमने उसको रुका के रखा कि यार जब वेव खत्म होगा तब आएंगे. And then finally release kiya, to we couldn't have chosen a worse day, but then we didn't know. Abhi aap akhbar padho to kehte hain ki 22nd December ko third wave shuru hua, lekin 24th December ko hame nahi pata tha ki third wave shuru hua hai. To jis din release kiya, wo the numbers jumped up to I remember 6,000, and within 3-4 days they started touching 30-40, and then chauthe din se to theaters band hona shuru ho gaye. On the fourth day Delhi shut down as a territory. On the sixth day, Gurgaon shut down, Haryana shut down, UP cancelled the evening shows, Bombay cancelled evening shows. By the seventh day, 9 states were completely shut. So, I mean, but that's the destiny, yaar. I guess that you can't fight. No, it's not in anybody's control. Yashraj ki gali. This is where it all started. स्ट्रीट लाइट्स नहीं है सही में.
सबको ना इनकी फिल्म की लाइट्स एक एक निकाल के डोनेट कर देनी चाहिए. रोई आई टोल्ड यू दैट दिस वाज सपोज्ड टू बी अ न्यू डिवीजन एंड इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी यश चोपड़ा प्रेजेंट्स व्हिच एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग अ लिटिल यार यश जी का नाम मेरी पिक्चर पे नहीं आएगा. एंड देन यश जी केम बैक एंड माई फिल्म जस्ट रफ कट तैयार हो गया था एंड फर्स्ट कट एंड यश जी वॉज ऑन द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी. सो ही केम बैक फ्रॉम दैट एंड ही सेड हमने बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में देखी है वो एंड ही सेड तुम्हारी पिक्चर तैयार हो गई है सर. हाँ ऐसे ऐसे देखेंगे आप. ऐसे हाँ ये सर हाँ देखूंगा एंड आई पुट द फर्स्ट कट ऑन फॉर हिम ऑन द एविड ओनली एंड यश जी सैट देयर रिमेंबर विद द बिग बोल ऑफ पीनट्स. इतना बड़ा बोल यश जी पूरा खा गए थे देखते देखते एंड ही वॉच द होल फिल्म. आई शोड इट टू हिम बिकॉज इट्स अ शॉर्ट फिल्म. इट वॉज 105 मिनट फिल्म. सो आई शोड इट टू हिम विदाउट इंटरवल एंड ही सॉ द होल थिंग एंड ही गॉट अप फ्रॉम इट एंड ही सेड बेटे इस पिक्चर के मेरा नाम जाएगा. एंड देन दैट वॉज यश चोपड़ा प्रेजेंट्स and then that new division actually never then happened. It can this film got into the regular sort of Yash Raj thing. Yeah, so it's just so nice. Is that added pressure भी लगता है कि आपको इतना थोड़ा टेंशन होता है क्या? मुझे नहीं. एक्चुअली मैं ना मैं भी ये सब बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं. मेरे लिए मैं ऑनेस्टली आई से दैट पीपल समटाइम्स थिंक यू नो इट्स लाइक अ डायलॉग बट For me and what was my dream and this is something in life I've always followed not only in my films and everything in my life. Now, I never forget what your starting point was and what was my dream as a documentary filmmaker from Delhi. My dream was yaar ek picture banani hai ek picture banani hai jo bade parde pe aayegi. Aur kitni ho gayi abhi? Abhi to 8 ho gayi hai lekin I'm saying ab wo ek ban gayi. Theek hai ab uske baad har cheez to bonus hi hai na. And I just love the journey. For me as I've often said for us as filmmakers it's the journey that's important yaar. हमारा जो फ्राइडे होता है अच्छा गया या बुरा गया वो तो हमारी जिंदगी का एक दिन है. बट इफ यू मेड द फिल्म द वे यू वांटेड टू मेक इट एंड द जर्नी इज बीन गुड दैट्स व्हाट यू रिमेंबर ना. एक साल डेढ़ साल दो दो साल की जर्नी होती है अगर उसमें मजा आया तो नथिंग कैन रॉब यू ऑफ दैट. देखो भाई हमारी मुंबई के क्वेश्चन थोड़े रह गए हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है अच्छे नरेशन देने वाले अच्छे डायरेक्टर्स की अच्छे स्टोरी टेलर्स की कि वो लोग अपनी कहानी दिल से दिलचस्पी से बता रहे होते हैं. आप लोग भी इन्वॉल्व हो गए होंगे तो एक और बार अपन करेंगे ठीक है. अपन टाउन हॉल कहीं चलेंगे खा लेंगे तो मुंबई की बारिश और ये सब की कहानी अपन बाद में करते हैं. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया.